चलो, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ हो, राइट? तो ये हमारा फर्स्ट सेशन है एंड हम अपना फर्स्ट सेशन भी बिल्कुल दिल से शुरू करने वाले हैं। दिल से शुरू करने वाले हैं का मतलब ये डेडिकेशन के साथ हम ये सेशन देखने भी वाले हैं, साथ ही साथ हम अपने दिल के बारे में पढ़ेंगे, यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। मैं आपको एक बात इंश्योर कर दूं कि आप जब ये वीडियो देख रहे होगे ना, इसके एंडिंग तक आपको कुछ बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, कुछ बातों की आपको नॉलेज हो जाएगी। पहला टॉपिक आपको जिसके बारे में क्लियर हो जाएगा वो होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर उसके कंपोनेंट्स, कुछ ऐसी टर्म्स जो सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ ऐसे हार्ट डिजीजेज जो हमें जानने चाहिए। अब आखिर बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। हमें पता है हमारी बॉडी को फूड, एयर और वाटर चाहिए। फूड, एयर, वाटर चाहिए सेल्स तक, हमारी सेल्स को चाहिए जिससे कि ये एनर्जी बना सकें, एनर्जी बना के कुछ काम कर सकें। अब अगर इनके पास ये ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो, ये एलिमेंट्स उनके पास ट्रांसपोर्ट ही ना हो, तो ये एनर्जी बनाएंगे ही नहीं और काम होगा ही नहीं फिर हमारी बॉडी में कोई। तो अब आखिर ये एलिमेंट्स हमारी बॉडी में ट्रांसफर हों कैसे? इसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ अ सिस्टम दैट कंटेन्स सर्टेन ऑर्गन्स इन अ बॉडी। सर्टेन ऑर्गन्स कौन से? हार्ट और लंग्स, जो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। अब बात आती है, हमने बोला कि फूड, एयर, वाटर इंपॉर्टेंट है, ब्लड क्यों? ब्लड टर्म वर्ड हमने यूज क्यों किया? हमने ब्लड टर्म यहाँ इसलिए यूज किया क्योंकि डाइजेशन की वजह से। हमें पता है डाइजेशन में जो हमारा फूड है वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रोक हो जाता है, फिर वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाय होते हैं वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं ब्लड। अब हम कह सकते हैं जो हमारा ब्लड है वो ब्लड में फूड, एयर, वाटर ये सब मिक्स होते हैं, इसीलिए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारे पूरे सेल्स, हमारे हर सिस्टम में फूड, एयर, वाटर जा ही रहा है। तो आप ब्लड बोलो क्योंकि ब्लड में ही ये सारे एलिमेंट्स डिफ्यूज होते हैं। इस सिस्टम को हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। और इस सिस्टम का एक मेजर जो वाइटल फंक्शन होता है ना, वो क्या है कि पहला होता है कि ये तो ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्यों ट्रांसपोर्ट करना है भाई? अभी तो पढ़ा क्योंकि इनमें फूड, एयर, वाटर डिजॉल्व होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारे सेल्स के लिए। दूसरा होता है कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम द सेल। अब हमारी बॉडी कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट और टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं कुछ प्रोसेसेस के बाद, ठीक है? अब बस यही ब्लड कुछ उन्हें कैरी करते हैं, उन्हें कुछ सर्टेन ऑर्गन्स के पास लेके जाते हैं, जैसे लंग्स या किडनी, जहाँ पे ये फिल्टर होते हैं, अगर प्योरीफाई हो सकते तो होते हैं, नहीं तो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। अब बस इस सर्कुलेटरी सिस्टम में भी कुछ कंपोनेंट्स आते हैं। पहला कंपोनेंट है हार्ट, दूसरा लंग्स और तीसरा है ब्लड वेसल्स। इनके बारे में पढ़ते हैं, स्टार्टिंग विथ हार्ट। हमें पता है हमारा लंग्स, हमारे इंटेस्टाइन, स्टमक, ब्रेन, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, पता है? इन्हीं एक कैटेगरी में, इंपॉर्टेंट ऑर्गन वाली कैटेगरी में हमारा प्यारा सा हार्ट आता है। हार्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर आर लाइफ। हमारा जो हार्ट एक मसल है, किस मसल से बना है? कार्डियक मसल, ये याद रखना है, कार्डियक मसल से बना है, कार्डियक मसल से बना है, ये याद रखना है, विच इज लोकेटेड। अब हमारा ये प्यारा सा हार्ट है का, हमें पता है ये हमारा हार्ट अंडर द रिब केज है, अंडर द रिब केज, बिटवीन द लंग्स एंड लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ द चेस्ट बोन। क्या बोला मैंने? कहाँ लोकेटेड है? अंडर द रिब्स, अंडर द रिब्स, बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बिल्कुल बीच में होता है, और कहाँ पे है? हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट बोन, लेफ्ट साइड, साइड में भूल गई, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट बोन, चेस्ट बोलो, चेस्ट बोन बोलो, ओके okay? फिर हमारा जो साइज होता है ना हार्ट का, वो बिल्कुल एक क्लेंच्ड फिस्ट, क्लेंच्ड फिस्ट मतलब एक मुट्ठी, हमारी एक मुट्ठी के बराबर है, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, मुट्ठी के बराबर होगा। अब हमारे हार्ट को ना, इस प्यारे से हार्ट को हम पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं। पंपिंग ऑर्गन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारा हार्ट है ना, इसका एक फंक्शन है कि हमारे ब्लड को पंप करे और पूरे पार्ट्स, हर बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करे, ठीक है? ये हो गया पंपिंग ऑर्गन। अब हमारे हार्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। हमारे हार्ट को एक और नाम से बुलाते हैं जिसको कहते हैं चैम्बर्ड हार्ट। चैम्बर्ड हार्ट क्यों बुलाते हैं भाई? अब चैम्बर्ड हार्ट का मतलब इसमें चार डिफरेंट टाइप के, फोर डिफरेंट ब्लड फिल्ड एरियाज होते हैं। इस पिक्चर में देखे तो 1, 2, 3 एंड हेयर गोज 4, यानी फोर डिफरेंट ब्लड फील्ड एरियाज। इन ब्लड फील्ड एरियाज को हम क्या कहते हैं? चैम्बर्स, यानी फोर डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं हमारे ब्लड में।
हार्ट में, सॉरी ब्लड में नहीं, हार्ट में। अब इन चैम्बर्स को भी नाम दिया गया है। टॉप टू चैम्बर्स को हम कहते हैं एट्रिया, टॉप टू चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं, एट्रिया। वहीं बॉटम टू चैम्बर्स को हम कहते हैं वेंट्रिकल्स, बॉटम टू चैम्बर्स को कहते हैं वेंट्रिकल्स। इनका क्या फंक्शन है ये तो आगे हम वर्किंग ऑफ हार्ट में पढ़ेंगे, बट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर मैं दूँ, हमारे हार्ट में ना दो टाइप के ब्लड आते जाते हैं। पहला होता है एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये टर्म यहीं क्लियर कर लेते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक दूसरा होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरा होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमें नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन, जिस ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा हो उसे हम कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वही डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसका बिल्कुल उल्टा, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम हो और वेस्ट प्रोडक्ट्स का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो। बस अब डी ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर कहीं मिक्स हो गए तो क्या होगा भाई, अगर मिक्स हो गए तो आपका जो सेल है वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे चाहिए था ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड, उसे प्योर ब्लड चाहिए था और आपने दे दिया उसे इम्प्योर ब्लड, वेस्ट वाला ब्लड। अब वो क्या बनाएगा, एनर्जी तो बनाने से रहा। तो बस इसीलिए ऐसे डिफरेंट फोर डिफरेंट चैम्बर्स में डिवाइड किया गया। अब कहीं अगर ये चैम्बर्स गलती से मिल गए तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन चैम्बर्स के बीच में ना एक लंबी सी थिक वॉल आती है किसकी, मसल की, जिसको हम कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं, सेप्टम, ये लिखा है ना, सेप्टम सेपरेट्स द लेफ्ट साइड इस साइड को, राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को डिवाइड करता है, जिससे कि ये चैम्बर्स कहीं मिल ना जाए और हमारा कहीं ब्लड मिल गया तो हो गया। अब हमारे हार्ट में ना कुछ वाल्व्स होते हैं, वाल्व्स आखिर होते हैं क्या, वाल्व्स का क्या फंक्शन होता है। वाल्व्स इसलिए होते हैं जिससे कि हमारा जो ब्लड है या कोई भी सब्सटेंस है वो एक ही डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शनल में जाए, एक ही डायरेक्शन के फ्लो में जाए, कहीं इधर उधर गया तो हो गया। बस इसीलिए हमारे हार्ट में फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्व, फोर चैम्बर्स, फोर वाल्व्स, मिट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, एओर्टिक वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। मिट्रल वाल्व को हम बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या फंक्शन है ये हम आगे पढ़ते हैं, वर्किंग ऑफ द हार्ट में हम पढ़ेंगे। अब जो आपको एक फन फैक्ट बताती हूँ, जो हमारा हार्ट है ना वो 100,000 टाइम्स पर डे बीट करता है। आप सोच लो कितना, कितनी हार्ड वर्क करता है, बट हम नहीं कर पा रहे हैं। बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल नाम ही हमें बता रहा है, ब्लड ऐसे वेसल्स जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं, ब्लड सर्कुलेट करते हैं हमारी पूरी बॉडी में, उनको ब्लड वेसल्स कहते हैं। इनके भी तीन टाइप होते हैं, इनको कहते हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज ऐसी वेसल्स होती हैं, ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। वेन्स होती हैं ऐसी, वेन्स होती हैं ऐसी वेसल्स जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। वहीं कैपिलरीज, इनके कुछ ऐसे सेक्शंस टाइप होते हैं, जब जहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज में जब वेन्स आर्टरीज नहीं जा पाती, वहाँ पे कैपिलरीज, बहुत थिन थिन कैपिलरीज होती हैं, वहां से वो ब्लड ट्रांस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं। अब इनका मेजर डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड रिच इन ऑक्सीजन, हमने पढ़ लिया, यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनकी थिक वॉल्स होती हैं। थिक वॉल्स क्यों होती हैं, क्योंकि मैंने एक नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इनके ब्लड इज अंडर हाई प्रेशर। ब्लड अगर अब आपका हाई प्रेशर के अंदर है, यानी अगर आपकी थिन वॉल्स हुई तो ये तो ब्लड, आपकी जो आर्टरीज है वो तो इरप्ट हो जाएंगी, इसीलिए थिक वॉल्स हैं। वाल्व्स इनमें एब्सेंट होता है, क्योंकि एब्सेंट क्यों होता है, मैंने बताया ना वाल्व्स का क्या वो होता है फंक्शन, कि एक ही डायरेक्शन में ब्लड जाए, इसलिए वाल्व्स होती हैं। अब इतना अंडर हाई प्रेशर हमारा ब्लड होता है, वो कैसे जाएगा, एक कैसे जाएगा दूसरे डायरेक्शन में, उसको जाना ही पड़ेगा, इट इज़ फोर्स टू गो इन वन डायरेक्शन, इसलिए वाल्व्स हमारी एब्सेंट होती हैं। वहीं ऑक्सीजन लेवल इज़ वेरी हाई, ऑक्सीजन लेवल इज़ वेरी हाई, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिच, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और रेड कलर की होती है, क्योंकि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड समहाउ हम कहते हैं रेड कलर का है। वेन्स वहीं इसका आर्टरीज का ऑपोजिट होती हैं, वेन्स कैरी इम्प्योर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनकी थिन वॉल्स होती हैं और वाल्व एबसेंट होते हैं। थिन वॉल्स क्यों होती हैं, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, थिन वॉल्स इसलिए होती हैं क्योंकि ये लो प्रेशर में होती हैं, इतना प्रेशर इनमें ब्लड का नहीं लगता, इसलिए थिन वॉल्स होती हैं और वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फ्लो करें, इसीलिए ऑक्सीजन लेवल लो होता है, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट वाले और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, इसलिए ऑक्सीजन लेवल लो होता है और ब्लू कलर की होती हैं। वहीं कैपिलरीज जो होती हैं, कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स, वेरी थिन, वॉल्व्स आर एब्सेंट,
ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो लो वेरी हेयर, और इनका फंक्शन क्या होता है, द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स. ये देती हैं ऑक्सीजन, मटीरियल्स, न्यूट्रिएंट्स ले देती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स लेती हैं. अब ये जो कैपिलरीज वहाँ प्रेजेंट होती है ना जहाँ पे हमारी आर्टरीज वेन्स नहीं जाती, मैंने बता दिया था एग्जाम्पल बोन मैरो, हमारे बोन मैरो में आर्टरीज और वेन्स नहीं जा पाती, लीवर में, इनमें बिल्कुल थिन 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 ब्लड वेसल्स चाहिए होती हैं. अच्छा, ये जो आर्टरीज और वेन्स होती है ना, इनमें एक एक्सेप्शन होता है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन. अब इनका क्या फंक्शन होता है हम आगे पढ़ेंगे वॉकिंग ऑफ द हार्ट में. उससे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लड की. अब ब्लड क्या है, एक ब्लड फ्लूइड है जो हमारे पूरे ब्लड वेसल में, हमारी पूरे ब्लड वेसल में घूमता रहता है. ब्लड के भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. पहला फंक्शन होता है कि वो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ, लंग्स में और टिश्यूज में. वहीं वो ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है, कहीं अगर चोट लग गई तो कहाँ कहाँ से अगर इतना खून बहने लग गया तो ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है. दे कैरी सेल्स एंड एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज क्यों, जिससे कि अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो उससे फाइट कर सकें. ठीक है, ये हमारा बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट भी कैरी करती हैं. अब हम जो हमारा ब्लड है ना, उसको भी किसी कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं उसके भी. प्लाज्मा, प्लाज्मा जो 55% हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा है, ब्लड सेल्स जो RBCs और WBCs में और डिवाइडेड है. RBCs हमारी बॉडी में 45% है, वहीं जो WBCs है वो 1%, और प्लेटलेट्स भी समहाउ 1% ही हैं. अब एक के बाद एक सबको जानते हैं. पहले प्लाज्मा. प्लाज्मा एक लिक्विड कंपोनेंट है हमारी बॉडी का, जो 90% ऑफ वाटर और 10% ऑफ आयंस, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स इन सब से बना है. अभी 10% इंपॉर्टेंट क्यों है, 10% इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन अ ब्लड पीएच. हमारा जो ब्लड पीएच वैल्यू होती है ना हमारे ब्लड की, वो एज बेसिक होती है, जैसे जो कहते हैं स्लाइटली बेसिक, 7.35 से 7.45 के बीच में लाई करती हैं, मेनली 7.4. ठीक है, इनको थोड़ा बेसिक इन नेचर होती है, थोड़ा सा ज़्यादा न्यूट्रल भी नहीं है, ज़्यादा एसिडिक तो है ही नहीं, न्यूट्रल नहीं है बट बेसिक है थोड़ी सी. इसीलिए ये जो 10% है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेनिंग आर ब्लड पीएच. अब हमारा अगर ब्लड पीएच बिगड़ गया, मतलब एसिडिक हो गया या ज़्यादा बेसिक हो गया, तो प्रॉब्लम क्या है, हमारे थोड़े रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है. सबका एक खुद का एक अमाउंट होता है कि एक्सेस ऑफ खाना भी खा लो ना तो पेट दर्द होने लगता है, इसलिए हर चीज़ का एक्सेस अच्छा नहीं होता. वहीं अगर ब्लड पीएच एक्सेस हो या कम हो जाए तो उसका भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे हमारा जो रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, हमारा ब्रेन हमारे लंग्स को सिग्नल देगा कि आप ना जल्दी जल्दी ब्रीथ करो, जल्दी जल्दी ब्रीथ करोगे तो आपको ऑक्सीजन जल्दी मिल जाएगा, यानी आप यू वुड बी शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ. तो इसीलिए हर चीज़ का एक एक्सेस होना अच्छी बात नहीं. अब प्लाज्मा होता है जो रिच इन मेजर रिच इन टू प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन एंड इम्यूनोग्लोबिन. अब इनके फंक्शन क्या है, एल्ब्यूमिन है जो दैट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग टू मच ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. वहीं इम्यूनोग्लोबिन का क्या फंक्शन है, एंटीबॉडीज. अब अगर हम नाम देखें ना, अगर हम इनका जो ये है डेफिनेशन, इसको देखने से पहले इनका नाम ही देख लें, इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी वर्ड आ रहा है ना, इम्यूनोग्लोबिन, यानी कुछ एंटीबॉडीज होंगे किससे फाइट करेंगे, पैथोजेंस या इन्वेडर्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन इन सबसे, राइट. अब प्लाज्मा के भी कुछ फंक्शंस होते हैं, प्लाज्मा को भी कुछ फंक्शंस दिए गए हैं कि आप ये फंक्शन निभाओ, बाकी फंक्शंस दूसरे कंपोनेंट्स हमारे ब्लड के संभाल लेंगे. प्लाज्मा का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड सेल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, रेगुलेशन ऑफ बॉडी वाटर एंड मिनरल सॉल्ट, एंड कोगुलेटिंग ऑफ ब्लड. कोगुलेटिंग ऑफ ब्लड का मतलब ब्लड क्लॉटिंग से ही रिलेटेड है. ठीक है, बात करते हैं आरबीसीज, द रेड ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी में 45% है. इनको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, आरबीसीज भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं. अब आप अगर आपका एक ब्लड, एक ड्रॉप ऑफ ब्लड देखोगे ना, उसमें 5 मिलियन, अप्रॉक्स 5 मिलियन आरबीसीज आपको दिखेंगे, अप्रॉक्स. बताओ कितने आरबीसीज हैं. इनका जो शेप होता है ना, उस बाय कॉनकेव डिस्क ऐसे कुछ, ये देखो ना, कुछ डिस्क शेप में होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे डोनट टाइप का होता है ना, ऐसे डिस्क अंदर वैसा होता है. इनको जो रेड कलर मिलता है ना, वो इनके अंदर एक आयरन होता है, प्रोटीन, आयरन प्रोटीन होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, हमें पता है, उससे मिलता है. दे कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी. इनके अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल न्यूक्लियस नहीं होता. और रेड आरबीसी के जो लाइफ स्पैन होते हैं वो मैक्स 120 डेज होती है, एवरेज 120 डेज. अब अगर आगे बात करते हैं फंक्शन की,
जो हमारी जो आरबीसीज है ना, ये लंग्स में ऑक्सीजन, लंग्स से ऑक्सीजन लेती हैं और पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सर्कुलेट करती हैं। वहीं जहाँ से ये ऑक्सीजन देती हैं, वहीं से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स लेके आती हैं और लंग्स में देती हैं, जिससे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट प्रोडक्ट जो एक्सक्रीट आउट हो जाए हमारी बॉडी से, जब व्हेन वी एक्सहेल, जब हम सांस छोड़ें तो ये सब एक्सक्रीट आउट हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। आरबीसीज की बात की तो हीमोग्लोबिन की बात करनी पड़ेगी। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन इन आर आरबीसीज दैट इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड चेन्स। दीज चेन्स कंटेन्स अ कंपाउंड कॉल्ड हीम, एंड हीम होल्ड्स अप और कंटेन्स एन आयरन दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड स्ट्रीम। क्या समझ आया? कुछ नहीं। अगर इस पिक्चर में हम देखें ना, तो यहाँ पे हमें कुछ, ये पूरा एक प्रोटीन, ये एक पूरा हीमोग्लोबिन चेन है। ठीक है, इनमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ सर्कल सर्कल सा है, ऐसे होंगे कुछ ऐसे। ठीक है, इनके अंदर ऐसे एक आयरन सा मॉलिक्यूल होगा, इसको हम आयरन कहेंगे, और इस पूरे एक कंपाउंड को हम कहेंगे हीम। ठीक है, इन ये हीम जो है आयरन को होल्ड करके रखते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन अट्रैक्ट करे और ये हमारे पूरे ब्लड में ऑक्सीजन रहे। अब अगर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा? लो हीमोग्लोबिन कॉजेज एनीमिया। अब एनीमिया क्या होता है? एनीमिया एक डिजीज होती है जब आपको शॉर्टेज ऑफ आयरन होता है इन द बॉडी। अब इसके सिम्टम्स क्या है? आपको बहुत फटीग फील करोगे, आपको वीकनेस लगेगी, और आपकी जो स्किन है ना वो पेल लगेगी, यानी येल्लो कलर की कुछ दिखेगी, और थोड़ी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होगी, जैसे शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ हो जाओगे। इसका क्योर क्या है? आपको ऐसे फूड लेने जिसमें आयरन की जो अमाउंट है ना बहुत ज़्यादा है, और विटामिन सी, जैसे जिसमें विटामिन सी भी हो ना, वो खाने चाहिए, क्योंकि विटामिन सी अट्रैक्ट्स आयरन। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लड सेल की, जो है व्हाइट ब्लड सेल्स। इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। ये हमारे इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं। ये हमारे जो अंदर अगर कोई इन्फेक्शन या इन्वेडर या पैथोजन आएगा, उनको पहचानेगा, उनसे फाइट करेगा, जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस या कोई इन्फेक्शन। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स थोड़े आरबीसी से बड़े होते हैं, दे आर लार्जर इन साइज, और अनलाइक आरबीसी, इनके अंदर एक नॉर्मल न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। इनका क्या फंक्शन है? दे आर इम्पॉर्टेंट इन ब्लड कोगुलेशन एंड वूंड हीलिंग। ब्लड कोगुलेशन का मतलब था ब्लड क्लॉटिंग, जहाँ पे अगर आपको चोट लग जाए तो प्लेटलेट्स अट्रैक्ट हो जाती हैं, वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिससे कि एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस ना हो। ये डिस्क शेप के होते हैं और इनका साइज आरबीसीज और डब्ल्यूबीसी से बहुत छोटा होता है। अब मान लीजिए आपको चोट लग गई, तो आपकी जो लाइन, ब्लड वेसल की जो लाइनिंग होती है ना, वो डैमेज हो जाती है। अब प्लेटलेट्स उस एरिया पे, उस वूंड साइट पे अट्रैक्ट होने लगते हैं। दे स्टार्ट टू अट्रैक्ट एट द वूंड साइट। वूंड साइट पे अट्रैक्ट होकर करेंगे क्या? वो एक स्टिकी प्लग, एक स्टिक जैसे, एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट कर लेंगे, स्टिक जैसा बना लेंगे, वेब जैसा, और फिर प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स को सिग्नल भेजेगा, और प्लेटलेट्स लाओ, जिससे कि हम और स्टिकी बन सके, जिससे ब्लड लॉस ना हो। बट अभी भी ब्लड लॉस हो रहा है। तो जो हमारे प्लाज्मा होता है ना, ब्लड प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं फाइब्रोजन। ये प्लेटलेट्स फाइब्रोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करके, फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं। फाइब्रिन में कन्वर्ट जैसे ही करते हैं, फाइब्रिन एक थ्रेड बना लेता है, एक ऐसा थ्रेड, वेब जैसा थ्रेड बना लेता है, और सारे प्लेटलेट्स को एक साथ जोड़ देता है, जिससे कि जो हमारी ब्लड वेसल होती है वो इरप्ट होने से बच जाती है। इरप्ट तो होती ही है, बस एक वेब जैसा बन जाता है, उसको कहते हैं दे मेक अ क्लॉट दैट प्रिवेंट्स फॉर द लॉस ऑफ ब्लड। अब बात करते हैं द वर्किंग ऑफ द हार्ट, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सेशन। हम स्टार्टिंग एक साइड से बात करते हैं, राइट साइड से पहले बात करेंगे, फिर लेफ्ट साइड से, और इसके कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं, 10 स्टेप्स में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है जो हमारा सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। अब ये क्या है? ये हमारे वेन्स हैं। जो वेन्स का क्या रोल होता है? वेन्स का रोल होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी से हार्ट में लाए। तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हमारी बॉडी में लाते हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फिर ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट एट्रियम में भेज देते हैं। एम डे एम टी द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन आर राइट एट्रियम। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप।
थर्ड स्टेप होता है जब हमारा जो एट्रियम होता है ना, राइट एट्रियम, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जो हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये ओपन हो जाता है. जैसे ही ओपन होता है, ब्लड इससे ट्रैवल करके हमारे राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, जो होता है थर्ड स्टेप. अब ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाता है. क्यों बंद हो जाता है? जिससे कि जो हमारा ब्लड है वो फिर से राइट एट्रियम में ना चला जाए. यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मैनेज करता है वाल्व, ये हमने पढ़ लिया. अब जैसे ही हमारा राइट वेंट्रिकल फुल हो गया, ये पल्मोनरी वाल्व से पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, जो हमें हमारा फोर्थ स्टेप. हमें पता है आर्टरीज तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कैरी करती, बट ये एक एक्सेप्शनल था. पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है. ऐसी ही एक आर्टरी है हमारे हार्ट में, सिर्फ यही एक आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. ठीक है, अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हमारे हार्ट, लंग्स में. यानी फिफ्थ स्टेप हो गया लंग्स में. वहाँ से लंग्स में से ऑक्सीजनेट होता है ये ब्लड, जहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं उनमें उनको, और ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाता है, और फिर ये पल्मोनरी वेन में कैरी हो जाते हैं. अब वेन, पल्मोनरी वेन, ये भी एक्सेप्शनल है, क्योंकि यही सिर्फ एक वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे हमारे पल्मोनरी वेन में. पल्मोनरी वेन में वही स्टेप जो राइट साइड हुआ था, लेफ्ट साइड होता है. ये वेन्स लेफ्ट एट्रियम में, सारा एम्प्टी कर देती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वहाँ से बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा सारा का सारा ब्लड, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो जाता है. वैसे ही बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाता है, एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाता है, जिससे कि सारा का सारा ब्लड, एओटा, एओटा एक आर्टरी होती है जहाँ से सारी आर्टरीज कंबाइन होती हैं, और सारा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हर पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है. यानी नाइन्थ स्टेप हो गया कि एओटा में ब्लड जाता है. 10th स्टेप हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी बॉडी में, बॉडी या सेल्स एंड टिश्यूज को मिलता है. तो 10 स्टेप्स बिल्कुल इजीली समझा दिए मैंने कि कैसे वर्किंग ऑफ हार्ट टेक प्लेस. यही नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसका बिल्कुल प्रोसेस लिख रखा है, बिल्कुल आराम से पढ़ो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. अब बात करते हैं ब्लड इन लंग्स. आखिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स में, ये ऑक्सीजनेट होता कैसे है? हमें पता है जो ब्लड होता है वो हमारे पल्मोनरी वाल्व में एंटर करता है. पल्मोनरी वाल्व में एंटर करके वो हमारे लंग्स में घुसता है, लंग्स के पैसेज में आता है. लंग्स में घुसता नहीं, लंग्स के पैसेज में आता है. और जो पल वहाँ से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पल्मोनरी आर्टरी में आता है, जो एक एक्सेप्शनल आर्टरी है, वहाँ से वो लंग्स में घुसता है. लंग्स में भी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि आर्टरीज वेन्स इतनी थिक होती हैं कि लंग्स में इट्स नॉट पॉसिबल. तो कैपिलरीज में वो ब्लड वहाँ जाता है, वहाँ से वो सारा वेस्ट एक्सक्रीट आउट होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट उनमें आता है, एंड वहाँ से एट द सेम टाइम पास द ब्लड पासेस फ्रॉम एयर सैक्स लीव्स द बॉडी व्हेन वी एक्सहेल. द जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी अगर हम बोलें CO2, वेस्ट प्रोडक्ट्स में हम मेनली CO2, तो वो हम जब हम एक्सहेल करते हैं तो एक्सक्रीट आउट हो जाता है. वंस द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड, इट इज कैरीड बैक टू द लेफ्ट एट्रियम. हमारे लेफ्ट एट्रियम में वापस से सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. किससे आता है? पल्मोनरी वेन से. पल्मोनरी वेन से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में. ठीक है, ये भी प्रोसेस था. नेक्स्ट बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी की. अब ये आर्टरी क्या है? हमें पता है कि सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सब चाहिए, ब्लड ब्लड सब चाहिए. अब हार्ट, हमारे इस बेचारे हार्ट को कैसे मिलेगा जब सारी आर्टरीज दूसरों को ब्लड दे रही है? ये कोरोनरी आर्टरीज ऐसी आर्टरीज होती है जो हार्ट को खुद का सप्लाई, ओन सप्लाई ऑफ ब्लड प्रोवाइड करती हैं. द हार्ट रिसीव्स इट्स ओन सप्लाई ऑफ ब्लड फ्रॉम अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज. राइट कोरोनरी आर्टरीज सप्लाइज राइट साइड ऑफ द हार्ट, वेयर एज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज सप्लाइज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. ये तो ईजी था. नेक्स्ट आता है कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स. मैंने बोला था ना, कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टर्म्स है फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम से.
पहला आता है कार्डियक साइकिल या सिस्टोल डायस्टोल। आखिर ये होता क्या है? ये एक सिस्टमैटिक फंक्शन होता है हार्ट का। इट इज़ द सिस्टमैटिक फंक्शन ऑफ द हार्ट दैट स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ वन हार्ट बीट, हमारे हार्ट बीट के शुरू होने तक और उसके ख़त्म होने से पहले तक एक कार्डियक साइकिल होता है। कार्डियक साइकिल के दो फेज होते हैं जिसको हम सिस्टोल डायस्टोल कहते हैं। सिस्टोल क्या होता है? सिस्टोल एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा फेज आता है जिसमें हार्ट मसल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, और हार्ट मसल जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है वो ब्लड एओटा या पल्मोनरी ट्रंक में भेजता है, इजेक्ट्स आउट द ब्लड इनटू एओटा और पल्मोनरी ट्रंक। वेयर एज डायस्टोल भी इसका उल्टा है। डायस्टोल ऐसा फेस है जहाँ पे हमारा हार्ट मसल रिलैक्स करता है और ब्लड फिल्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्लड प्रेशर। हमें पता है कि हमारी जब आर्टरीज में ही जो हमारा ब्लड है वो अंडर हाई प्रेशर होता है। अब जब ये अंडर हाई प्रेशर हमारा ब्लड होता है तो ये जो फ्रेश प्रेशर हमारा ब्लड जो हमारे इस बेचारे आर्टरीज पे एग्जर्ट कर रहा है उस प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। इट इज़ द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट वॉल ऑफ आर्टरीज। ठीक है, ईच टाइम आर हार्ट बीट इट पम्प्स इनटू आर्टरीज। जब भी हमारा हार्ट एक बार बीट करेगा ब्लड हमारे आर्टरीज में ट्रैवल करेगा और ब्लड प्रेशर नॉर्मल बीपी, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 80 अपॉन 120 mm Hg। Hg यानी मर्क्यूरी, जो नॉर्मल 120 इज द सिस्टोलिक प्रेशर, वेयर एज 80 इज द डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द आर्टरीज। अब बात करते हैं कुछ डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट की। सब पढ़ लिया, आप हार्ट भी तो कभी कभार फंक्शन नहीं कर पाता या उससे कुछ उसके कोई कंपोनेंट्स अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते, तो डिजीजेज या डिसऑर्डर्स होते हैं। पहला डिसऑर्डर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज या CAD। कोरोनरी आर्टरी डिजीज नाम से ही पता चल रहा है कि जब कोरोनरी आर्टरी में कोई डिजीज हो जाए या डैमेज हो जाए। किस क्यों डैमेज हो जाती है? क्योंकि उसमें एक प्लेक प्लेक डेवलप हो जाता है जिससे जो हमारा ब्लड का फ्लो होता है ना वो इरप्ट हो जाता है, वो डिसऑर्डर में हो जाता है। इसीलिए हमारा ब्लड हमारे हार्ट को नहीं मिल पाता। दिस कॉजेज हार्ट अटैक, इसी से हार्ट अटैक होते हैं। ये कैसे क्यों होंगे? या तो आप सर्जरी करवाओ या अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज। हार्ट वाल्व डिजीज, नाम ही बता रहा है वाल्व डिजीज, हार्ट की जो फोर वाल्व्स हैं उनमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए या वाल्व अच्छे से फंक्शन ना करें, जैसे टाइम पे ना खुलें, टाइम पे बंद ना हो, अच्छे से फंक्शन ना करें, तो प्रॉब्लम है। दिस कॉजेज द डिसऑर्डर इन द फ्लो ऑफ ब्लड, इसी की वजह से हार्ट सही से फ्लो नहीं, ब्लड ढंग से हर चैम्बर में फ्लो नहीं करेगा। पेरिकार्डियल डिजीज, पेरिकार्डियल डिजीज इज द स्वेलिंग इन द पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम क्या होता है? पेरिकार्डियम एक सैक लाइक मेम्ब्रेन होती है जो हमारे पेरिकार्डियम एक सैक लाइक मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग कह सकते हैं, आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट दैट इज लाइक अ सैक लाइक मेम्ब्रेन। ठीक है, हमारे सैक लाइक मेम्ब्रेन ये हमारे हार्ट को सराउंड करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए या स्वेलिंग हो जाए या डैमेज हो जाए या डिजीज हो जाए तो पेरिकार्डियल डिजीज हो जाता है। और ये कैसे कॉज होगा? या तो कोई वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन हो गया, या फिर हार्ट अटैक की वजह से। नेक्स्ट आता है कार्डियोमोपैथी। ये एक हेरिडेटरी टाइप की डिजीज है। कहाँ होती है? हार्ट मसल में, टाइप ऑफ अ हार्ट मसल डिजीज। ठीक है, इट इज हार्ड फॉर द हार्ट टू डिलीवर ब्लड टू द बॉडी एंड कैन लीड टू हार्ट फेलियर्स। इसमें हमारा जो हार्ट होता है ना वो बहुत कम ही ब्लड फ्लो कर पाता है, ब्लड अच्छे से नहीं दे पाता, प्लम्प पंप नहीं कर पाता, इससे हार्ट फेलियर हो सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो डिसऑर्डर है वो कंजेंशियल हार्ट डिजीज। कंजेंशियल का मतलब होता है बाय बर्थ, कंजेंशियल वर्ड का ही मतलब होता है बाय बर्थ, यानी बाय बर्थ जो हार्ट डिजीज है उसे कंजेंशियल कहते हैं। बाय बर्थ इट हैपेंस एंड इट अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ द हार्ट। मतलब अगर जिसको ये डिजीज है उसकी ये नॉर्मल हार्ट, नॉर्मल लोगों की तरह हार्ट वर्क नहीं करेगा, थोड़ा इम्प्रॉपर वर्क करेगा। सो दैट्स इट फॉर द टुडे, इसी सेशन में बस इतना ही था। अब हम समरी देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। हमने पढ़ लिया सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम दैट सर्कुलेट ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन्स एंड एटसेट्रा टू आर सेल्स।
सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्ट, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स। हमारे ब्लड में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ब्लड वेसल्स आर डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, दैट आर आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शन होता है। हार्ट इज द मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन इन आर बॉडी, विच इज बींग डिवाइडेड इंटू फोर चैम्बर्स, दैट आर राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड प्रेशर, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लड ऑन द आर्टरीज, वैल्यू वैरीज फ्रॉम 80 अपॉन 120 mm. फॉर्मेशन ऑफ प्लेक इन आर्टरीज और ब्लड वेसल्स कॉजेज हार्ट डिजीजेस। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लाइक दिस सेशन, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी, और अगर मिली तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, लाइक दिस वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ तो वीडियो ज़रूर शेयर करना, जिससे उन्हें भी ये नॉलेज मिले। नेक्स्ट सेशन के लिए तब तक गुड बाय।